एलम क्रिक पार्क डार्सले वन्यू। एक्चुअली में जुलाई अगस्त में मैं एक वीडियो डाला था इधर का मिसिसागा में, टोरंटो में, मेल्टन में। उस टाइम ये पूरा हरा भरा था और अभी सर्दी की वजह से देखो क्या हो गया, ये फुलवाड़ी पूरा सूख गया भाई, पूरा सूख गया। ये देखो एलम क्रिक अगर किसी ने देखा होगा पहले, ये पार्ट टू है समझो इसका। अभी देखो मौसम इसका क्या था पहले, अभी क्या है। चलो अभी तो थोड़ा धूप है लेकिन तो बर्फ गिरती है इधर। आज भी टेम्परेचर 5 डिग्री है, थोड़ा धूप निकला, अभी 1 बजने वाला है। इसका मैं 2 वीडियो डाला था, एक डाला था कि यहाँ अभी 8:30 बजे है लेकिन दिन ऐसे ही खड़ा था शाम को, और आज अभी 1 बजने वाला है। शुक्र है ये सूर्य देवता की कि धूप निकल रही है आज, नहीं तो माइनस में ही रहता है इधर का टेम्परेचर। तो देखो पत्ते तो पूरे सूख। इस पार्क में हम लोग आके बैठते थे, घास है लेकिन पत्ते पूरे सूख के पेड़ों के, देखो बिल्कुल मुरझाए नहीं है, मेरी सूख के गिर भी गई, बिल्कुल सुनसान हो रहा जी, क्योंकि ठंडी की वजह से टेम्परेचर तो पूरा लो ही रहता है, माइनस में रहता है। आज 5 या 6 डिग्री था सेल्सियस, तो अभी ये हाल है। तो ये बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल है मेरा। किसी को अगर कनाडा के बारे में कोई जानकारी चाहिए, यही नहीं वीज़ा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग, या क्या प्रोसेस है, हम लोग कैसा पहुँचे इधर तक, ये मैं आगे बना भी रहा हूँ मेरा, और स्पेशल कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप लोग मेरा कितना खर्चा है, अभी रहने का कितना खर्चा है, किधर रह रहे हैं, क्या सिस्टम होता है इधर का, ये सारी जानकारी आपको मैं इसमें दे देगा। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।